बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, देख लीजिए ये तस्वीर, जब उनके राज्य की बेटी बोली थैंक यू योगी जी। फॉर्च्यूनर का काफिला, रईसजादा का जन्मदिन, मठ के पास से गुजरी गाड़ी, बर्थडे पार्टी में लड़कियों को उठाया, मुस्लिम ने किया फोन, सर बचा लीजिए, 12 मिनट में पहुंची पुलिस, दबंग एसएसपी ने लिया बहुत तगड़ा एक्शन। सिंघम आईपीएस संतोष कुमार मिश्रा ने जब ऑपरेशन ठाई ठाई चलाया तो गोरखपुर से लेकर कुशीनगर तक हड़कंप मच गया। ऑपरेशन लंगड़ा के बाद इन आरोपियों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पताल से मरहम पट्टी करवा कर निकले आरोपी कान पकड़कर योगी की पुलिस से माफी मांग रहे हैं। बेटी यूपी की हो या बंगाल की, असम की हो या नागालैंड की, यूपी में हर बेटी को सुरक्षा देते हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ शोधों को लगा बाप ने फॉर्च्यूनर दिलाई तो बेटा कुछ भी कर सकता है। 2 फॉर्च्यूनर कार, कई हथियार और 2 डांसर्स को पार्टी में डांस के लिए उठाने वाले कुल 8 रईसजादों की पूरी फौज आपके सामने है। कुछ घंटों में ही जन्मदिन के जश्न की तस्वीरें जेल की सलाखों में बदल गई। 2 आरोपियों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया, उनकी जाति भी तो पूछी जाएगी, इसीलिए उस पर भी आते हैं। लेकिन पहले सुनिए 8 आरोपियों ने मिलकर कैसे रची एक बड़ी कहानी। बंगाल की बेटी पर डाला यूपी में हाथ तो अलग कर दिया पुलिस ने हाथ और पैर। ये है सिंघम आईपीएस संतोष मिश्रा, अमेरिका से लाखों की सैलरी छोड़कर आईपीएस बने हैं। गोंडा वालों को अच्छे से पता है ये कौन है, अब कुशीनगर वालों को पता लग रहा है। बर्थडे पार्टी में प्लान बनता है कि लड़कियों का डांस होना चाहिए, ये सभी रईसजादे हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक मुस्लिम आरोपी के एनकाउंटर के बाद से सपा सवाल उठाने लगी। हालांकि दूसरा जो आरोपी है वो हिंदू है, उसका भी एनकाउंटर हुआ है। डांस करने वाली लड़की के घर पर फॉर्च्यूनर से ये जाते, दबंग गन पॉइंट पे डांसर को अगवा करते, दोनों डांसर को जबरन फॉर्च्यूनर में बैठाते, लेकिन आगे बाबा का बुलडोजर होगा और बुलडोजर से मुलाकात होगी, ये किसको पता था। फॉर्च्यूनर से दोनों लड़कियों को अगवा करने वालों का तो काम लग गया, वो व्हील चेयर पे बैठकर माफी मांग रहे हैं। लेकिन कहानी मसली खेल इन 6 चेहरों का है जिन्हें गिरफ्तार किया गया। मुंह पर मास्क लगाए पुलिस की कस्टडी में खड़े हैं, इन्हीं में से एक है मास्टरमाइंड आर्थर सिंह, जिसने बंगाल की डांसर को अगवा करने का प्लान बनाया था। इस काम में उसका साथ देता है नागेंद्र यादव, अश्वनी सिंह, कृष्ण तिवारी, अजीत सिंह और डॉक्टर विवेक सेठ, जिसे पुलिस छापा मार कर पकड़ती है। तो सवाल उठाने वालों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अभी असली होश उड़ाने वाला खेल बाकी है। निसार अंसारी और आदित्य सहनी जो फरार चल रहे थे, उन्हें पुलिस ने न सिर्फ ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर गिरफ्तार किया, बल्कि इनकी स्थिति आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। व्हील चेयर पे बैठे ये दोनों आरोपी कान पकड़कर बाबा की पुलिस से माफी मांग रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं साहब गलती हो गई, माफ कर दो। क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि योगी राज में अपराध करने के बाद कोई बचता नहीं, रसूख चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून के हाथ के आगे योगी राज में बौना हर कोई साबित हो जाता है। और इनका गुनाह कितना बड़ा था ये आप खुद उस मकान मालिक से सुनिए जहां रात को जाकर इन्होंने उत्पात मचाया। बोले चाचा आप जाइए, ऐसी सी बात है, इनको हमने आज पट्टे पर लिखवाया था, गए नहीं, हम इन्हें साथ ले जाएंगे। मैं कहा ले जाने का तरीका ये नहीं होता, कायदे से टाइम से ले जाओ, अपना जो भी प्रोग्राम करेंगे उसके बाद वापस ले, फिर उसके बाद बोलो और फाइल भी किए थे, हम यहाँ ऊपर आए थे, नीचे वहाँ फाइल किए उन्होंने, उससे पहले 2 फायर और किए, अब कहाँ किए थे, हवाई फायर किए। वहाँ मौजूद एक लड़की बताती है ये लोग पहले कॉल करते हैं, 2 लड़कियाँ चाहिए, प्रोग्राम करवाना है, पर वो महिला कहती है रात में हम ऐसे नहीं भेज सकते, जिस पर गुस्से में आकर वो लोग घर पहुंच जाते हैं, सबको डराते हैं, पर अपने मंसूबे को अंजाम दे पाते उससे पहले ही योगी के पुलिस ने उन्हें ऐसा बना दिया कि अब वो किसी महिला की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेंगे। और ममता बनर्जी भी शायद सीएम योगी की पुलिस को शुक्रिया कहेंगी, क्योंकि एक तरफ वो अपने ही राज्य में एक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में उनके राज्य की बेटी को सिर्फ 12 मिनट में इंसाफ मिल जाता है।